नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गर्मी के दिनों में मुर्गी में वजन को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए, उसके साथ साथ मुर्गी में एग प्रोडक्शन को भी कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए आपको कौन सा मेडिसिन कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी मुर्गी में ज्यादा से ज्यादा वो बेनिफिट दे पाए। दोस्तों अभी जैसे फरवरी का महीना चल रहा है और जैसे ही फरवरी खत्म हो जाएगा मार्च महीना आ जाएगा और मार्च आने से ही गर्मी स्टार्ट हो जाता है और गर्मी के टाइम पे मुर्गी पालन में मुर्गी से सही वजन और अंडा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यानी ऐसे समय पे मुर्गी में वजन थोड़ा स्लो बढ़ता है जिसके वजह से फार्मर्स को एक मुर्गी तैयार करने में ज्यादा समय लगाना पड़ता है। अब दोस्तों ज्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं, मुर्गी का वजन तेजी से बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल करने लगते हैं जिसके वजह से मुर्गी में फायदा कम और नुकसान ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए गर्मी के समय में मुर्गी में मेडिसिन को बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल करने लगेंगे तो मुर्गी में तो नुकसान होगा ही होगा, उसके साथ साथ फार्मर्स का जो खर्चा है वो भी बढ़ जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना है कि मुर्गी में वजन गर्मी के टाइम पे क्यों नहीं ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों सर्दी के मुकाबले में गर्मी के टाइम पे मुर्गी दाना बहुत ही कम खाती है और पानी ज्यादा पीती है। यानी सर्दी के टाइम पे मुर्गी दाना ज्यादा खाती है, उस हिसाब से पानी कम पीती है। वही गर्मी के टाइम पे मुर्गी दाना कम खाती है और पानी ज्यादा पीती है। इसके अलावा गर्मी के टाइम में मुर्गी बहुत ज्यादा बीमार पड़ती है, उसमें से सबसे कॉमन जो बीमारी ज्यादातर देखा जाता है वह है दोस्तों डायरिया यानी पतली पेट का प्रॉब्लम। इसके साथ साथ मुर्गी में हीट स्ट्रेस का भी प्रॉब्लम देखा जाता है। ऐसे बहुत सारा कारण है जिसके वजह से गर्मी के सीजन में मुर्गी में वजन तेजी से नहीं बढ़ता है और उसके साथ साथ एक प्रोडक्शन में भी कमी देखने को मिलता है। अब अगर दोस्तों गर्मी के सीजन में मुर्गी में वजन को बढ़ाने के साथ साथ एक प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है तो उसके लिए आपकी मुर्गी में लीवर का स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आपको सही टाइम पे सही मात्रा में एक सही लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करना होगा। अगर दोस्तों सही लीवर टॉनिक का बात किया जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रोटोन लीवर टॉनिक, जो कि ज्यादातर फार्मर इसको यूज भी करते हैं और रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा है। ब्रोटोन जो कि भीरवेक कंपनी का लीवर टॉनिक आता है, तो ये आपको अपने लोकल मार्केट में जहां पर भी वेटरनरी शॉप है वहां से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस लीवर टॉनिक को अपने मुर्गी में कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले अगर बात करें चिक्स में, यानी चूजे में एक से लेकर 30 दिन का जितना भी उम्र का चिक्स रहेगा उसमें दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है 5 ml पर 100 मुर्गी के लिए। यानी अगर आपके पास 100 मुर्गी है तो 100 चूजे के लिए आपको इस्तेमाल करना है 5 ml लीवर टॉनिक, जिसको कि आप 1 से लेकर 1.5 लीटर पानी में मिला देंगे और अपने सभी 100 चूजे को यह पानी पीने के लिए दे देंगे। अब दोस्तों कोई कोई अपने घर में बहुत ही कम मुर्गी पाल के रखते हैं, जैसे 2, 4, 5 या फिर 10 मुर्गी पालते हैं, तो वो अपने मुर्गी के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे लीवर टॉनिक। तो सबसे पहले आपको लेना होगा एक सिरिंज या फिर ड्रॉपर, उसमें दोस्तों आपको 1 ml लेना है लीवर टॉनिक और उसके साथ थोड़ा सा पानी ले लेना है। अब उसको अच्छे से सेक करके मिला के 4 चूजों को बांट दीजिए, यानी 4 चूजों को डायरेक्ट सिरिंज या फिर ड्रॉपर की मदद से पिला दीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोवर मुर्गी के लिए, यानी जो मुर्गी 30 दिन या फिर उससे ज्यादा का हो जाता है उसके लिए आपको कितना इस्तेमाल करना चाहिए लीवर टॉनिक। तो आपको 100 मुर्गी के लिए लेना है 10 ml लीवर टॉनिक, जिसको आपको 2 लीटर पानी में अच्छे से मिला के अपने सभी मुर्गी को पीने के लिए दे देना है। अब अगर आप घर में कम मुर्गी पालते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1 ml लेना है लीवर टॉनिक, उसके साथ आपको लेना है थोड़ा सा पानी और सिरिंज या फिर ड्रॉपर से लेके अपने 2 मुर्गी को पिला दीजिए जिसका उम्र 30 दिन या फिर उससे ज्यादा का है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें लेयर मुर्गी के लिए कितना मात्रा में लीवर टॉनिक इस्तेमाल करना चाहिए, तो अगर आपकी मुर्गी अंडा देने वाली है या फिर दे रही है तो वैसे मुर्गी के लिए आपको लेना है 15 ml लीवर टॉनिक प्रति 100 मुर्गी के हिसाब से, और आपको उसमें 2.5 लीटर पानी लेना है और 2.5 लीटर पानी में उसी 15 ml लीवर टॉनिक को अच्छे से मिला के सभी 100 मुर्गी को पीने के लिए दे दे। इसके अलावा अगर आपके घर में कम मुर्गी है तो कम मुर्गी के लिए आपको क्या करना है, 1 ml लीवर टॉनिक लेना है, उसमें मिलाना है थोड़ा सा पानी और उसको सिरिंज या फिर ड्रॉपर की मदद से 1 मुर्गी को पिला दीजिए। यानी प्रति 1 लेयर मुर्गी के लिए 1 ml करके लीवर टॉनिक डायरेक्ट आप अपने घर में पिला सकते हैं। अब दोस्तों बात आता है आपको कब अपनी मुर्गी में लीवर टॉनिक पिलाना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो समय है वो है मॉर्निंग का पहला पानी, यानी सुबह में जो पहला पानी अपनी मुर्गी को पीने के लिए देते हैं उसी पानी में लीवर टॉनिक को मिला के अपने मुर्गी को पीने के लिए दे दे। ऐसे करके हर 15 दिन में लगातार 3 से लेकर 4 दिन तक अपनी मुर्गी में लीवर टॉनिक इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों जैसे आपको बताया गया वैसे अगर आप कंटिन्यू अपनी मुर्गी में लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करते रहेंगे जिसकी वजह से आपकी मुर्गी में लीवर स्वस्थ रहेगा, उसके साथ साथ मुर्गी ज़्यादा दाना खाएगी और ज़्यादा दाना खा के उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी कर पाएगी।
अगर डाइजेस्ट अच्छे से कर पाएगी तो मुर्गी में पतली बीट या फिर डायरिया का जो प्रॉब्लम ज्यादातर गर्मी के सीजन में देखा जाता है वो आपकी मुर्गी में देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी मुर्गी में वजन भी अच्छे से बढ़ेगा, उसके साथ साथ मुर्गी में जो एक प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा से ज्यादा आपको मिल पाएगा। अब दोस्तों लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, गर्मी के टाइम में जितना कम हो उतना एंटीबायोटिक का कोशिश करें इस्तेमाल करना अपनी मुर्गी में। एंटीबायोटिक की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं लहसुन, हल्दी, अदरक, ऐसे जितने भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मुर्गी को बीमारी से बचाने में मदद करेगा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारा फायदा मिलेगा, वो सब का अपनी मुर्गी में इस्तेमाल करें और अपनी मुर्गी को स्वस्थ रखें। तो दोस्तों बस आज का था एक छोटा सा वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिले कभी किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, जय किसान।